जिले की कोतवाली चित्तौड़गढ़ थाना पुलिस ने कोतवाली थाना क्षेत्र के गांधीनगर में स्थित एक मकान में जुआ सट्टे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 8,13,006 स्कूटी सहित सट्टा उपकरण जब्त कर 15 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। भीलवाड़ा बड़ी सादड़ी निम्हाहेड़ा चित्तौड़गढ़ के रहने वाले लोग गांधीनगर सेक्टर 5 चित्तौड़गढ़ स्थित एक मकान में घोड़ी दाने पर जुआ खेल रहे थे। जिला पुलिस अधीक्षक श्री सुधीर जोशी ने बताया कि जिले में जुआ सट्टे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने हेतु एएसपी पर्वत सिंह एवं वृत्ताधिकारी चित्तौड़गढ़ तेज कुमार पाठक के मार्गदर्शन एवं थानाधिकारी कोतवाली चित्तौड़गढ़ संजीव स्वामी के निर्देशन में नाथू राम व पुलिस थाना कोतवाली चित्तौड़गढ़ के पुलिस जाप्ता की विशेष टीम का गठन किया गया। इसी क्रम में विशेष टीम को गत रात्रि में सूचना मिली कि कोतवाली चित्तौड़गढ़ थाना क्षेत्र में गांधीनगर सेक्टर नंबर 5 स्थित एक मकान में कुछ लोग जुआ सट्टा खेल रहे हैं। पुलिस टीम ने उक्त सूचना पर थाना इंचार्ज नाथू सिंह के नेतृत्व में तत्काल मौके पर पहुंचे। पुलिस टीम को सेक्टर 5 गांधीनगर चित्तौड़गढ़ में कस्बा चौकी के पास किला रोड चित्तौड़गढ़ निवासी अजय कुमार शास्त्री के मकान में प्रथम तल पर बने एक कमरे में 15 जुआरी झुंड बनाकर घोड़ी दाना पर रुपयों का दाव लगाकर जुआ खेलते हुए मिले। पुलिस ने जुआरियों के कब्जे से कुल 8,13,000 रुपए व 4 स्कूटी जुआ सट्टे के उपकरण घोड़ी दाने जब्त कर चित्तौड़गढ़ शहर में कस्बा चौकी के पास किला रोड निवासी 47 वर्षीय अजय कुमार शास्त्री पुत्र मोहन प्रकाश शास्त्री देहली गेट ऊपर की मस्जिद के पास निवासी 32 वर्षीय वसीम पठान पुत्र मस्तान पठान कस्बा चौकी के पीछे सिपाही मोहल्ला निवासी 30 वर्षीय आदम खान पुत्र सलीम खान पठान देहली गेट निवासी 37 वर्षीय मोहम्मद शोएब पुत्र मोहम्मद अयूब छिपा देहली गेट छिपा मोहल्ला निवासी मोहम्मद अहमद पिता पुत्र रहमान आदि को गिरफ्तार किया। जिस तरीके से सर आज जो बड़ी कार्रवाई की गई उस संबंध में किस तरह से कार्रवाई की थी, क्या इनपुट थे? श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय चित्तौड़गढ़ के निर्देशों पर साइबर टीम और डीएसटी इसके द्वारा सूचना संकलित की जा रही थी, जिसके क्रम के अंदर आज सुबह प्रातःकाल चित्तौड़गढ़ के गांधीनगर सेक्टर नंबर 5 के अंदर एक आवास के अंदर जुआ सट्टा खेलने की सूचना के ऊपर दबिश दी गई, जिसके अंदर 15 व्यक्तियों को घोड़ी दाना से जुआ खेलते वक्त गिरफ्तार किया गया और उनसे 8,13,000 रुपये की राशि जब्त की।